हेलो, मिश्रा क्लासेस के द्वारा सभी को नमस्कार। देखिए, जितने भी नीट के स्टूडेंट हैं, 2022 में एक तरीके से बहुत सारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया। प्रश्न आता है कि जीवन कैसे बर्बाद हुआ? जब से एनटीए ने एग्जामिनेशन कराना शुरू किया है, फेयर एग्जामिनेशन कभी नहीं करा पाया। हर वर्ष ये सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है, पेपर आउट होता है, अंत में एनटीए जीतता है। तो जो बच्चे जुझारू हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, हम कहते हैं इस घोटाले से, एक बच्चे का अगर सिलेक्शन रुकता है घोटाले की वजह से, तो उस बच्चे का करियर बर्बाद हुआ। उस बच्चे का क्या गुनाह था जो इस एनटीए की कमियों के कारण शिकार हो गया? क्या एनटीए उसका भरपूरी कर पाएगा? नहीं। तो एनटीए को चाहिए साफ सुथरा एग्ज़ाम ले, जैसे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचे। लेकिन एनटीए के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप कुछ भी बोलें एनटीए सुनता ही नहीं। पिछले साल तुमको मालूम है फिजिक्स में एक क्वेश्चन रॉन्ग था, हिंदी में उसका आंसर कुछ था, इंग्लिश में कुछ था। एनटीए नहीं माना, इंग्लिश का आंसर मान लिया। बेचारे हिंदी मीडियम वालों का क्या दोष था? लेकिन हिंदी मीडियम वालों को एक क्वेश्चन का 5 नंबर का उनको लाश उठाना पड़ा, और एक एक नंबर पर हजारों स्टूडेंट होते हैं। सोचिए, जिसके 5 नंबर कम हो गए, इसका मतलब 10,000 रैंक पीछे वो पहुंच गए, सिलेक्शन से कितना दूर हो गए। लेकिन एनटीए का उससे कोई मतलब नहीं। एनटीए क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए टाइम देता है, लेकिन आज तक एक भी क्वेश्चन उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। एक क्वेश्चन का 1,000 रुपये लेता है, तो हम तो ये कहेंगे एक पैसा कमाने का साधन है, धंधा है। तभी तो वो चैलेंज के लिए ऑफर तो देते हैं, लेकिन चैलेंज को मानते नहीं हैं, क्योंकि उन्हीं को अपनी ही आंसर शीट उनको मानना है, दूसरे का कुछ सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है। तो ये चैलेंज के लिए ऑफर क्यों देते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो ये सब एनटीए को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करता है। और ये सब रीजन बच्चे को बर्बाद करते हैं, बच्चे के मनोबल को कम करते हैं, हिम्मत को तोड़ते हैं, उसके जुझारूपन को कहीं कहीं रोकते हैं। इस पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, एनटीए के ऊपर नकेल कसनी चाहिए, जैसे ये गड़बड़ियाँ रुक जाएं और बच्चा बर्बाद होने से बच जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लीजिए। ओके।